द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में 2020 नोबेल प्राइज को इमैनुएल शोपोंटी और जेनिफर ए डाउडना को जीनोम एडिटिंग के एक मेथड की डेवलपमेंट की खोज के लिए प्रदान किया है। इन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक सीजर CRISPR/CAS9 की खोज की है, जिसके लिए नोबेल प्राइज इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए अब इन दोनों ही विनर्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमैनुएल शोपोंटी के बारे में। इनका जन्म 11 दिसंबर 1968 को जुवसी सुर ऑर्गे फ्रांस में हुआ। अवार्ड मिलते समय इनका एफिलेशन मैक्स प्लैंक यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस बर्लिन जर्मनी से था और इनको जीन टेक्नोलॉजी के बेहतरीन जेनेटिक सीजर की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं जेनिफर डाउडना के बारे में। इनका जन्म 19 फरवरी 1964 वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ। अवार्ड के समय इनका एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले CA यूएसए से था। इनको भी जीन टेक्नोलॉजी के बेहतरीन जेनेटिक सीजर की खोज के लिए नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।